हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि अच्छे ही होंगे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अभी सुबह सुबह का समय है तो आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी मैं सब्जी और रोटी बना चुकी हूँ और अभी मैं अभी दोपहर का खाने के लिए अभी सब्जी काट रही हूँ। दोपहर में उतना कोई नहीं रहता है तो अभी थोड़ा सा सब्जी में ही हम लोग का हो जाता है। नाश्ता के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है तो मैं नाश्ता के लिए सब्जी रोटी बना चुकी हूँ। अभी दोपहर में दो ही जन रहेंगे तो अभी मैं ये सब्जी काट रही है। इसको तो हम लोग सूटी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे नहीं पता। और ये बहुत महंगा है, 25 रुपया पाव। इतना थोड़ा समय 25 रुपया लग गया है। ये अभी न्यू सब्जी निकला है ना, इसीलिए अभी थोड़ा बहुत महंगा रहेगा। फिर इसके बाद आस्ते आस्ते इसका दाम कम हो जाता है, तब उतना टेस्ट नहीं लगता है अभी जितना अच्छा लगता है इसको खाने में। तो मैं भी ये सब्जी काटूँगी सब दोपहर के लिए और यही दोपहर में आज बनाऊँगी। फिर हाथों हाथ मैं अभी फ्रिज को भी साफ़ कर रही हूँ। जब मैं सब्ज़ी निकाली तो देखी कि बहुत ज़्यादा फ्रिज गंदा हो गया। सोचती हूँ बाद में करूँगी, लेकिन बाद में सोचने से नहीं होता है। तो मैं अभी सब्ज़ी उधर बैठ सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद, दोपहर का सब्ज़ी काटने के बाद मैं अभी फ्रिज को थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ। नहीं तो होता ही नहीं है, बाद में करूँगी सोचने से होता ही नहीं है। तो मैं अभी हाथों हाथ फ्रिज को अभी साफ़ कर रही हूँ। ये फ्रिज हम लोग धनतेरस में इस बार न्यू खरीदे हैं। पहले भी हम लोग का एक फ्रिज था लेकिन वो बहुत गंदा मतलब ख़राब हो गया था, तो ये हम लोग इस बार नया फ्रिज खरीदे हैं। तो मैं उसी फ्रिज को अभी साफ़ करी। बहुत डर लग रहा है, ये कांच का है ना, इसीलिए पहले का फ्रिज ऐसा नहीं था, बस नॉर्मल था। अभी वो सब फ्रिज दूसरा निकला है, सब थोड़ा सा टूट जाने से ही पूरा टूट जाएगा और ये सब चेंज भी नहीं होता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी मेरा अभी सब्जी रोटी बन गया है सुबह का नाश्ता। तो घर में कोई आए हुए हैं तो मैं उसके लिए बोले कि चाय बना दो। तो मैं देख रही थी कि कितना रोटी है सबके लिए, होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा। नाश्ता में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, टिफ़िन भी जाता है ना। तो मैं अभी घर में कोई आए थे तो उसके लिए मैं अभी चाय बना दे रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर बोली कि मेरा और भी काम है तो अभी थोड़ा चाय ही बना देती हूँ, फिर दूसरा काम बाद में करूँगी। आज बहुत ज़्यादा काम है फ्रेंड्स, तो वो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो अभी मैं चाय बना दे रही हूँ उन लोग के लिए। फिर चाय बनाते बनाते थोड़ा बहुत बेसिन में बर्तन रहता है तो उसको भी धो लेती हूँ। जब तक ये चाय बनता है तब तक उधर मेरा एक दो को बर्तन भी धोना हो जाएगा। जब भी मैं खाना उना बैठाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो इधर थोड़ा बहुत सब उसी जगह खड़ा रहते हूँ तो बर्तन को भी थोड़ा धो लेती हूँ और बर्तन भी धुलना हो जाता है, इधर मेरा काम भी हो जाता है साथ में।
हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा काम रहता है फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही है लड़की लोग के लिए कितना, इधर बच्चा को पढ़ाना, घर का काम करना, ये सब तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी कौन करेगा। इसीलिए एक दिन भी हम लोग के लिए छुट्टी नहीं रहता है, संडे हो या मंडे, रोज़ तीन हम लोग का काम। और इसके बाद चाय मेरा बन गया फ्रेंड्स, तो मैं तो इसके बाद मेरा घर का मैं भी झाड़ू पोछा थोड़ा सा लगा लेती, पोछा नहीं लगाऊंगी अभी, थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी, फिर बाद में अच्छे तरह से पोछा लगाऊंगी। अभी थोड़ा वो झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा झाड़ू लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है ना कि बासी घर में घर से नहीं निकलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद पोछा लगाऊंगी। कपड़ा भी बहुत सारा धोना है, बच्चों के लिए भी कपड़ा धोना है, उसके बाद बाकी सारा काम करूंगी। मैं सोचती हूँ कि पोछा सब धोऊं, लेकिन इतना ज़्यादा भी बारिश हो रहा है ना कि शाम को डेली बारिश बारिश, गर्मी का मौसम है, ऐसा लग रहा है कि ठंडा का मौसम। इस मौसम में तो बच्चों का क्या, बड़ों का भी पूरा तबीयत ख़राब हो जा रहा है, और बच्चा का तो लगा ही हुआ है, इतना ठंडा का जैसे मौसम कर रखा हुआ है। इसीलिए अभी पोछा भी नहीं धो पाई हूँ, जब कड़ा धूप आने से उसको अच्छे से धोऊंगी पोछा सबको। तो मैं भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। ये खिड़की थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि बारिश, इधर बाहर का खिड़की है ना, बारिश होने पर इसमें पूरा छींटा लग जाता है, पूरा गंदा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इसको भी झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं सामने से सीढ़ी का झाड़ू लगा लेती हूँ, उतना ऊंचा सीढ़ी से तो अभी नहीं लगा पाऊँगी, घर का बहुत सारा काम है, इसलिए सामने में ही थोड़ा सा मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मैं भी सीढ़ी में थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर झाड़ू लगाने के बाद घर का और बहुत सारा काम करूँगी।